नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। पढ़ाई के इसी सफ़र को हम लोग निरंतर पर डे एक ना एक टॉपिक को पढ़ना सीख रहे हैं और उसका अभ्यास भी कर रहे हैं साथ में। उम्मीद है आप सभी को पिछली क्लासों के सारे जो मैथड पढ़ाए गए वो सब बड़े अच्छे से तैयार होंगे और उनका आप लोगों ने घर में अच्छे से उनका अभ्यास भी कर लिया होगा। चलिए, आज हम लोग एक टॉपिक को और कंप्लीट कर लेते हैं। ये टॉपिक भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। टॉपिक को हम लोग कहते हैं वेरिफिकेशन स्टेटमेंट, कथनों की सत्यता जांच जिसे हम लोग कहते हैं। एक कथन दिया जाता है, कथन क्या नॉर्मल एक कोई वर्ड दिया जाएगा और उसके उपलक्ष्य में चार ऑप्शन दिए जाएंगे और उस ऑप्शन में तुम्हें ये तय करना है कि वो ऑप्शन में क्वेश्चन में दिए गए शब्द का जो मेन भाग है, मेन पॉइंट है, वो कौन सा है, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हो जाइए और आपको आज के आने वाले जो भी क्वेश्चन है उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। और हाँ, आज के क्वेश्चनों में पेन कॉपी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपकी नज़रों से सॉल्व होंगे। माइंड से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नज़रों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तैयार हो सभी लोग? चलिए, आपको मिलवाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा, पहले तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझिएगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को टॉपिक के नाम से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो रहा था, है ना। मुझे पूरा भरोसा है, आप पहले क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझिएगा। क्वेश्चन क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में कैसे ऑप्शन आएंगे और क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ये बात हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। यहाँ सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह के हैं। कोई एक शब्द है जो आपको क्वेश्चन में हाईलाइट किया गया होगा, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में न्याय है ना, सेकंड क्वेश्चन में ट्रेन है और तीसरे क्वेश्चन में पेड़ है। वो ये पूछ रहा है कि न्याय में हमेशा होता है, मतलब हमेशा आपको ऐसा पॉइंट का चयन करना है, ऐसे पॉइंट को देखना है। आपको संबंधित शब्द से चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी संबंधित शब्द है उसी से चार ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन उसने कहा हमेशा होता है, सदैव, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करें, हम अपने शरीर के बारे में बात करें अगर, क्या कि हमारे शरीर में हाथ पैर ये सब अंग हैं, लेकिन अगर हम अपने शरीर का मेन पॉइंट के बारे में बात करें तो वो हमारा हार्ट है कि नहीं, आत्मा है हमारी। बस समझ लो इस शब्द की तुम्हें आत्मा की पहचान करनी है। आपको ऑप्शन में हाथ नाक कान पैर, मतलब शरीर से संबंधित तो सारी जानकारी वो दे सकता है ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में कहीं ना कहीं आत्मा देगा। तो बस आपको करना क्या है, शब्द की आत्मा ढूंढना है। छोटा सा बेसिक सा मेथड आपके माइंड में फीड होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, शब्द की आत्मा ढूंढनी है। जो मुझे शब्द दिया गया है उसका जो मेन पॉइंट है, उसका जो बेसिक है, बस उसी की पहचान करना है। खैर, कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं और वो क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है ना, फिर वो आंसर बता रहे हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बताऊं, सेकंड क्वेश्चन बड़ा सरल है। समझने के लिए हमें सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करें तो बड़े ढंग से आप समझेंगे। कह रहा ना, ट्रेन में सदैव रहता है। आपको पता है ट्रेन में चालक भी रहता है, गार्ड भी रहता है, पहिया भी रहता है, इंजन भी रहता है ना। तो ट्रेन से संबंधित तो वो चार ऑप्शन देगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ऑप्शन जब टिक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेन से सारे संबंधित होंगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी ऑप्शन को टिक लगाएंगे। लेकिन वो ये कह रहा था सदैव रहता है, तो आपको पता है जैसा कि हम लोग शब्द की आत्मा की पहचान कर रहे हैं तो आपको पता होगा ट्रेन में जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है, इंजन होता है। बस इसी तरह आपको हमेशा सारे क्वेश्चन में जो भी शब्द दिए जाएंगे उन शब्द से संबंधित ऑप्शन जो भी होगा उसकी पहचान करनी है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन आपको सही ढंग से दिखाई दे रहा होगा, एक पेड़ में सदैव होता है, पेड़ है, ठीक है ना। पेड़ में आपको पता है शाखा भी है, पत्ती भी है, फल भी है, लेकिन उसका बेस क्या है ना। पेड़ का जब बेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जड़। क्या हो जाएगा, जड़, क्योंकि जड़ उसका मेन पॉइंट है, जड़ उसकी आत्मा है। ठीक है ना, बस इसी तरह आपको क्वेश्चन टिक करने हैं। अब आप कह रहे होंगे सर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आप पहले समझिएगा बताइएगा पहले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर खैर बताया है, ये दो मैंने पहले इसलिए बताया है आपको क्योंकि ये सिंपल हैं, है ना, और सिंपल से हम अपनी शुरुआत करते हैं तो हमें यहाँ कोई समझने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। ट्रेन में जिस तरह इंजन है, मेन पॉइंट है, पेड़ में जड़ है, तो आइएगा न्याय में हम लोग देखते हैं। देखो न्याय पाखंड है, उदारता है, छोटापना, प्रामाणिकता है। जब भी कोई न्याय के बारे में बात करता है तो प्रामाणिकता मतलब वही मैन है, उसका प्रमाण देखा गया होगा, उसकी जांच करके उसका न्याय दिया गया होगा, है ना, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रामाणिकता। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका प्रामाणिकता हो जाएगा। प्रमाण के अकॉर्डिंग न्याय किया जाता है, सबूत के अकॉर्डिंग, सबूत देखा होगा तभी तो न्याय दिया गया होगा, है ना। हाँ, छोटापन से कोई मतलब नहीं है, उदारता भी यहाँ कुछ नहीं है, पाखंड ये तो आप समझ रहे हैं। खैर ऑप्शन भी ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन वाले नहीं थे, आप बड़े आराम से समझ गए हैं। जैसा संबंध न्याय है उसमें हमेशा प्रामाणिकता है, और ट्रेन है उसमें हमेशा इंजन है, पेड़ है उसमें हमेशा जड़ है। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की विधि पता चली, क्वेश्चन करने का मेथड पता चला, आंसर बताने का मेथड पता चला कि आप आंसर को कैसे बताएंगे और क्या समझ के आंसर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया होगा सभी को। चलिए अपने क्रम को और आगे बढ़ाएं और अगले क्वेश्चन से आपको मिलवाएं। मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि आपको यहाँ कॉपी और पेन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस सारे क्वेश्चन आप नजरों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन देखो, पढ़ो और समझ लो आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर सभी लोग बताएं, जितने लोग हैं सभी लोग कृपया आंसर बताएं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप क्या सोच पा रहे हैं वो भी मुझे पता चल जाएगा, तो हमें भी ये लगेगा कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, कह रहा बीमारी में सदैव होता है, मतलब बीमारी तो है, अब उसमें सदैव क्या है, उपचार है, दवा है, कारण है जीवाणु। आप समझना बीमारी का कोई कारण नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बीमारी जो हुई होगी वो किसी ना किसी जीवाणु से हुई होगी, है ना। हाँ, जीवाणु यहाँ टोटल समूह है, नहीं आप कहे जीवाणु अलग है विषाणु अलग है, नहीं, ये टोटल कीटाणु के रूप में ऑप्शन को देखा जाएगा। तो कोई भी बीमारी हो उसका मेन पॉइंट उसका जीवाणु होता है। ठीक है ना, वो प्रवेश कर गया शरीर में, समझ लो वहीं से बीमारी आपकी बनने लगती है। और आगे देखिएगा, कह रहा था दौड़ में हमेशा होता है, जो दौड़ है ना, दौड़ प्रतियोगिता है, उसमें कह रहा हमेशा, बताओ क्या होता है। अब इनाम तो हम लोग हमेशा नहीं कह सकते हैं, दर्शक भी हमेशा नहीं कह सकते, निर्णायक में देखो दौड़ में निर्णायक का भी ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब 2-3 लोग दौड़ेंगे तो जो आगे निकलेगा वो तो हमें निर्णय तो वही बता देगा ना। हाँ, अगर दौड़ में प्रतिद्वंदी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रतिद्वंदी है तो ही दौड़ आप कर पाएंगे, जब प्रतिद्वंदी नहीं है तो फिर आप दौड़ेंगे किसके साथ में, है ना, तो वो हमेशा पूछ रहा है। एक बार निर्णायक ना हो तो भी काम चलता है, लेकिन भाई प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, किसके साथ में आप दौड़ेंगे, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि दौड़ में हमेशा क्या हो जाएगा, प्रतिद्वंदी हो जाएगा। चलो इसका बताओ 6 का क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताइएगा। पहाड़ है, पहाड़ में भाई क्या हो जाएगा, श्रेणी है कि बर्फ है कि चोटी है कि घाटी है ना, पहाड़ है, और पहाड़ में हमेशा याद रखना चोटी होता है। जब पहाड़ का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो चोटी, भाई जब चोटी है तभी तो वो पहाड़ बना है ना, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, पहाड़ में चोटी हो जाएगा। तो क्वेश्चन के भाव समझ रहे हैं सभी लोग कि नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो इसी तरह एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप उस क्वेश्चन को भी सीख लो, सही ढंग से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आइए मिलवाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा भाई, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और तीनों के आंसर आपके ही आने चाहिए। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी सभी लोग आंसर बताएं, ठीक है ना। हाँ, और कमेंट फास्ट किया करें, जैसे क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर बताएंगे आप। चलिएगा जल्दी से बताइएगा। घड़ी में देखिएगा, घड़ी में हमेशा होता है, विद्यालय में हमेशा होता है, दूध में हमेशा होता है। ये तीनों शब्द ऐसे हैं जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, है ना। जब आप अच्छी तरीके से परिचित तो क्यों ना आप आंसर भी सही बताएंगे। बहुत अच्छे आपके आंसर आने चाहिए, सारे आंसर आपके बिल्कुल सही आने चाहिए। खैर, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखो, घड़ी, घड़ी में बैटरी, संख्या, अलार्म, सुई, मतलब घड़ी का जो मेन पॉइंट है, घड़ी की जो आत्मा है वो हम सुई कहेंगे कि नहीं, है ना, क्योंकि वही तो मैन है। बाकी तो चलो संख्या नहीं लिखे तो भी हम स्ट्रक्चर से काम चला लेते हैं, है ना। बैटरी का मतलब है कि हम बैटरी उसमें जब लगाएंगे तो कुछ बिना बैटरी वाली भी घड़ियां होती हैं। अलार्म, कुछ बिना अलार्म वाली भी घड़ियां होती हैं। तो कुल मिलाकर हमें उसकी उस शब्द की, जो हमें शब्द दिया गया है उसका जो मेन पॉइंट है उसकी पहचान करना है। तो घड़ी में क्या हो जाएगा? सुई हो जाएगा। चलो विद्यालय में बताओ भाई क्या हो जाएगा। क्या इमारत होना, मतलब वैसे तो सारे होने चाहिए, लेकिन वो ये कह रहा ना कि सदैव होता है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, तो वो आपको ऑप्शन ढूंढना है। देखो, बिना पुस्तकालय के विद्यालय चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिना प्राचार्य भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षक और टीचर हैं, आराम से विद्यालय चल रहा होगा। इमारत, चलो इमारत भी नहीं है, हम लोग कहीं भी आराम से पढ़ सकते हैं ना। हाँ, जैसे अभी पढ़ रहे हैं, अभी करंट में हमें इमारत की ज़रूरत तो है नहीं, हम लोग कहीं भी कुछ बिछा के ज़मीन में पढ़ सकते हैं। जब हमारे पास अध्यापक नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ लेंगे। तो विद्यालय में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? अध्यापक, जो विद्यालय में सदैव होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की जो मेन पॉइंट है वो किस पर डिपेंड होता है? अध्यापक पर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही था, अध्यापक हो जाएगा। चलिए दूध में बताइएगा, दूध में हमेशा होता है, क्या बताएंगे आप? क्या होता है? चीनी, वसा या पानी। कुछ लोग कह रहे होंगे दूध में पानी मिलाते हैं, कह रहे देखो पानी होता है हमेशा, ठीक है ना, लेकिन नहीं, आपको गौर करना है भाई, दूध में हमेशा कैल्शियम मिलता है, मिलता है कि नहीं? दूध में हमेशा कैल्शियम होता है। जब दूध में कैल्शियम होता है, बाकी तीन ऑप्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा आपका आंसर कैल्शियम हो जाएगा। सभी ने बताने का प्रयास किया है और आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। उम्मीद है इसी तरह आप आंसर बताएं सभी लोग, और आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन देखें, फिर आप आंसर बताएं, ठीक है ना। तैयार हो? चलिए तो फिर आइए मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन से, सभी लोग मिलिएगा और फिर बताइएगा क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे। एक अस्पताल में कह रहा है ना, और समाचार पत्र में कह रहा था। अच्छा, रजाई में भी कह दिया है कि रजाई में बताइएगा, रजाई में हमेशा क्या होता है? देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी से बताओ सभी लोग, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? फास्ट कमेंट करिएगा। खैर, आंसर आ रहे हैं सभी के। अस्पताल में हमेशा होता है, ये कह रहा था, है ना। नर्स, डॉक्टर, कमरा, बिस्तर, आपको पता है एक पॉइंट आपने सीखा था क्या, हम जो लोग जब विद्यालय जाते हैं तो हम किसके पर्पज से जा रहे हैं? किसके पर्पज से जा रहे हैं भाई? टीचर के पर्पज से, अध्यापक के पर्पज से। तो समझो अस्पताल जाएंगे तो किसके पर्पज से जाएंगे? डॉक्टर के पर्पज से। डॉक्टर से तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। न तो हमें नर्स का वैसा कुछ काम पड़ता है, ना कमरे का, ना ज़्यादा बिस्तर का। तो सदैव आपको अस्पताल में जाने के लिए डॉक्टर से जरूर मिलना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। समाचार पत्र में बताइएगा, हमेशा बताओ क्या होता है? कागज होता है क्या हमेशा, है ना, या संपादक, प्रचार या समाचार? जब वो समाचार पत्र है तो उसमें समाचार हमेशा होंगे, ये तो नियम है ना, तभी तो वो समाचारों का ही तो वो पत्र है, तो समाचार होना कंपलसरी है, निश्चित होगा। समाचार पत्र में जब समाचार नहीं है तो वो समाचार पत्र किस बात का बताइएगा? ये एक बार ना हो तो काम चल जाएगा, है ना। इसीलिए आप क्या समझेंगे, समाचार पत्र में समाचार का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बताइएगा, रजाई में हमेशा क्या होता है? आवरण है, प्रिंट है या इस तरह का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ तो ऑप्शन से ही सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि रजाई में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रुई है। क्योंकि रजाई में जब रुई नहीं होगी तो वो रजाई किस बात की कहलाएगी, है ना। तो रजाई में हमेशा रुई होती है, ये आप सभी को पता है। आप सभी ने खैर सारे आंसर बताए और आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आए, है ना। तो बातें यहाँ तक कि आपको समझ में आने लगी हैं, बताइएगा। चलिए तो और अपना क्रम आगे बढ़ा लें। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कारखाना में हमेशा और बच्चे का हमेशा होता है, एक जूते में हमेशा होता है, पहचानिएगा। और इसके भी क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन हो, जो भी आंसर हो, वो आप ही बताएंगे। बताओ भाई जल्दी से, क्या हो जाएंगे, कारखाना। अच्छा, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा था क्या, कि हम लोग जाते हैं कहाँ, अगर विद्यालय जाते हैं तो शिक्षक इम्पोर्टेंट है ना, वहाँ अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर इम्पोर्टेंट है ना। तो कारखाना जाएंगे, कारखाने में भाई क्या होता है, काम होता है। काम करता कौन है, मजदूर करते हैं। तो कारखाने में हमेशा आपको मजदूर मिलेंगे। भाई विक्रेता, मतलब कारखाना में उद्योग हैं तो वहाँ एक बार विक्रेता ना हो कोई समस्या नहीं, चिमनी ना हो तो कोई समस्या नहीं, बिजली भी ना हो तो भी कोई समस्या नहीं। लेकिन जब मजदूर नहीं होंगे तो फिर काम कौन करेगा, है ना। तो कारखाने में हमेशा क्या होगा, मजदूर हो जाएगा। चलो आगे देखो, बच्चे का हमेशा होता है शिक्षा, दोस्त, खिलौना, माता पिता। तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे बच्चे का हमेशा माता पिता जरूर होगा, क्योंकि जब बच्चे का माता पिता होगा तभी तो बच्चे का जन्म हुआ होगा। वो हमेशा पूछता है, मतलब कंफर्म, ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट इनमें से है जो उसके बिना ये चीज अधूरी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बच्चे का हमेशा क्या हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा। एक बार शिक्षा ना हो कोई बात नहीं, दोस्त ना हो तो भी कोई बात नहीं, खिलौना भी ना हो उसके पास तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास माता पिता हमेशा होते हैं। चलिएगा, बताइएगा जूते में हमेशा क्या होता है। अरे जूते तो पहने होंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या चमड़ा है या फीता है या डिजाइन है या तलवा है, ठीक है। देखिएगा कुछ बिना फीते के भी काम चल जाता है, बिना डिजाइन के भी काम चल जाता है। और जरूरी नहीं कि सारे जूते भी चमड़े के ही हों, हाँ, लेकिन जूता कोई भी हो उसका जो मेन पॉइंट है उसका तलवा होता है, क्योंकि वही तो मेन पॉइंट है ना, वही तो आधार है। तो बस यही कुछ ऐसे पॉइंट आपको सिलेक्ट करके आंसर बताने थे। वैसे ऑप्शन में हम लोग देख के बता सकते हैं, है ना। अब आप समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे कि नहीं, बताइएगा। बिल्कुल सही, आप सब कर ले जाएंगे। बहुत कुछ आपने सीखा होगा, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा सा गौर करना। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे के, सभी लोग कोशिश करना कि आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आए, एक्यूरेसी बनाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल हम लोग नहीं कह सकते। यहाँ आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में समय नहीं देना पड़ रहा है, बस एक दो सेकेंड में आप नज़रों से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्यों ना अपनी नज़रों को साफ कर रखें, सही रखें, जिससे हम उसी नज़रों से क्वेश्चन को देखें और आंसर बताएं, ठीक है ना। चलिएगा आगे आपको मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, और उन क्वेश्चनों को मिलके आप उनके आंसर भी बिल्कुल सही बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिएगा, देखिएगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताइएगा क्या हो जाएगा, मनुष्य में हमेशा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप तो सीधा सीधा देख के ही कह रहे होंगे, है ना। और मरुस्थल में हमेशा, पहचानिएगा क्या हो जाएगा, और देश के लिए आवश्यक है। देखिएगा क्या है, 16, 17, 18 बड़े सरल क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, क्या हो जाएगा। मैं भी तो चेक कर लूं कि यहाँ तक 15 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो 15 क्वेश्चन में आपने कुछ सीखा है कि नहीं है। अगर आपके आंसर सही आएंगे तो हम समझ लेंगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है और सीखने का प्रयास भी किया है। और खैर, जिन लोगों के आंसर उलट पुलट होंगे वो सीखेंगे, ठीक है, और सीखने का प्रयास करते हैं। चलो, मनुष्य में हमेशा होता है, गौर करिएगा तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। चूंकि मैंने पहले ही कह दिया था, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस तरह मनुष्य में हार्ड के रूप में हम लोग देख रहे हैं, आत्मा के रूप में हम लोग देख रहे हैं, वही एक मेन पॉइंट है। बाकी सब तो एक बार ना हो तो मनुष्य रह सकता है, लेकिन उसने कहा हमेशा होता है, तो हृदय मनुष्य के शरीर में हमेशा होना चाहिए, है ना। ये तो बात सभी लोग जानते होंगे और इस बात से सभी लोग सहमत भी होंगे। आगे बढ़िएगा, मरुस्थल। अच्छा, जरूरी नहीं कि मरुस्थल में ऊँट दिखे आपको, है ना, और मरुस्थल में पवन मतलब हवा हमेशा दिखाई दे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। ताप, टेम्परेचर का भी, हाँ मरुस्थल में रेत होगी क्योंकि तब रेत है तभी तो वो मरुस्थल बना है। तो आप समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा, रेत हो जाएगा। खैर, ये दोनों आंसर आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताए हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे और यहाँ आंसर देखो गलत बताएंगे। चलिएगा, पहले तो हम आंसर देखेंगे सभी के। जल्दी से बताओ 18 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। देश के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ऑप्शन देखना, ठीक है ना। हाँ, प्रधानमंत्री या सेना या उद्योग या क्षेत्र, क्या आवश्यक है। कह रहा था देश के लिए आवश्यक है, तो कुछ लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री को करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेना को करेंगे। इन दो ऑप्शन में ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग सेना करेंगे, बोले जब तक सेना नहीं होगी तब तक हम लोग बचत कैसे करेंगे, है ना, दूसरे देश के लोग आक्रमण कर देंगे। वैसे भी आजकल ये माहौल ज़्यादा चल रहा है, आप लोग सही से देख पा रहे होंगे, सही से करंट से भी आप लोग सब लोग जुड़े होंगे। खैर छोड़िएगा, देश के लिए आवश्यक है, तो क्या आप सभी लोग प्रधानमंत्री की ओर जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वो ये कह रहा है आवश्यक है, मतलब हमेशा के लिए जब कोई देश होगा तो प्रधानमंत्री तो बात की बात है, पहले उसके लिए क्या आवश्यक होता है, क्षेत्र होना चाहिए। उसका भी कोई एक क्षेत्र हो, जब क्षेत्र होगा तभी तो वो देश बनेगा। और देश का प्रधानमंत्री तो सिर्फ कामकाज बनाने के लिए होता है। जैसे हम लोग का घर है हमारा, ठीक है ना, तो घर का गार्जियंस तो बाद में होगा, पहले हमारे घर का कोई क्षेत्र होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए हमारा घर कितने एरिया में है, तो बाद में हम लोग उस घर का गार्जियंस डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले, ठीक है ना, उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, अपने घर का क्षेत्र पता होना चाहिए, अपने देश का एक क्षेत्र पता होना चाहिए। ध्यान रहे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, और ऐसे ही नहीं, कई सारे विद्यार्थियों ने जल्दी से ऑप्शन प्रधानमंत्री लगाया था, है ना, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन भी प्रधानमंत्री दे दिया था। तो हमेशा गौर करिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आए थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, फिर आप आंसर बताइएगा। क्योंकि जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन भी ऐसे बनाएगा जिसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, और एक सरल क्वेश्चन को जब गलत करते हैं तो खैर बड़ा कष्ट होता है। बात बिल्कुल सही है, आप सोच सकते थे ऐसा, लेकिन आपने जल्दी में प्रधानमंत्री को टच कर दिया। लेकिन खैर कुछ लोगों ने तो बिल्कुल सही बताया, क्षेत्र हो जाएगा, है ना। हाँ देखिएगा, देश के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बाद का है, पहले सबसे पहला परफॉर्मेंस किसका होगा, क्षेत्र का होगा, ठीक है ना। तो यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं सभी को कि नहीं, बता दीजिएगा एक बार। अगर ये सारी बातें समझ रहे हों तो क्यों ना आगे भी क्वेश्चन को बढ़ाया जाए और अगले क्वेश्चन से आपको मिलवाएं, समझें, फिर आप उन सभी के आंसर बताएं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी खैर बड़े सरल क्वेश्चन है, सिंपल है। कैमरे में हमेशा होता है, धूप में हमेशा होता है, और सिनेमा में हमेशा होता है। खैर इस तरह के तो एग्जाम्पल तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ के हमें आंसर बताएंगे, क्योंकि ये तो बहुत सरल है, बड़ा ही सिंपल क्लास है ये आपका। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे सिर्फ आपके क्वेश्चन के जो आंसर हैं नज़रों से आ रहे होंगे, देखो और सही पस्टिक लगाओ। लेकिन ये भी देख पा रहे होंगे कि नज़रें हैं, कहीं बीच में भटक जाएं तो गलत रास्ते पे भी जा सकती हैं, ठीक है। तो बीच में हमें बस यही गौर करना है, यही संभाले रखना है कि हम जिस नज़र से क्वेश्चन को देख रहे हैं वो नज़र हमारी बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल सही हो, और हम कृपया सही आंसर बताएं, ठीक है ना। तो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, लग तो ऐसा ही रहा है कि आप सभी लोग बिल्कुल आंसर सही बता रहे हैं। कैमरे में हमेशा होता है, पूछ रहा था, हमेशा होता है। आप कहेंगे फोटोग्राफ, प्रकाश, रील और लेंस। तो आप देख पा रहे होंगे कैमरे का जो मेन पॉइंट है वो लेंस है, ठीक है ना, क्योंकि भाई लेंस होगा तभी कैमरा सही ढंग से काम करेगा। सही कैमरे का उपयोग किस पे डिपेंड करता है? लेंस पे, सबको पता है। अच्छा, धूप में हमेशा, धूप के लिए क्या आप करेंगे? हवा करेंगे, पानी करेंगे, धूल करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सभी का सही आ रहा है। देखिएगा, धूप में सदैव क्या होती है? ऊष्मा होती है। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, यानी इसका भी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है और इसका भी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आया। इसका मतलब आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीख रहे और सीख गए हैं। चलो 21 का और बताओ जल्दी से, ये तो आपके सिलेबस का है। ये गलत हो गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ये आप गलत तो कर ही नहीं सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक सिनेमा में, सिनेमा मतलब जानते होंगे, है ना, हाँ, सिनेमा में क्या बहुत सारी पिक्चर वगैरह देखी होंगी आपने। विलेन होना चाहिए, मतलब सदैव होता है कि हीरो होना चाहिए, कि कहानी होना चाहिए, कि रंगकर्मी होना चाहिए। बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताया करें, थोड़ा सा फास्ट कमेंट किया करें। बाकी लोगों के यार आंसर आए हैं लेकिन और लोग भी बताया करें। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। देखो, सिनेमा का मतलब होता है कोई एक पिक्चर, और पिक्चर में जब तक कहानी नहीं होगी तब तक उसका मेन पॉइंट पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो सिनेमा में सदैव क्या होता है? कहानी होती है, क्योंकि कहानी पर ही वो पिक्चर बनी होगी। बाद में इन सब का तो बाद में काम है, सबसे पहले क्या होगा? उसका पॉइंट कहानी होगी। उस सिनेमा में कोई एक कहानी ली गई होगी, उसी से वो पिक्चर को बनाया गया होगा, उसको आधार मान के क्वेश्चन को बनाया गया होगा, ठीक है ना। तो खैर आप सभी लोगों के यहाँ तक के सारे आंसर बिल्कुल सही आए। उम्मीद है आपने इस तरह के आंसर को सॉल्व करना सीख लिया है। और कभी भी अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन से मुलाकात अगर आपकी एग्जाम में हो जाती है तो आप बिल्कुल आंसर सही टिक लगाएंगे, है ना। तो ऐसा लगता है कि अब आज का समय हम लोग यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सरल टॉपिक लिया है, सरल क्वेश्चन किए हैं। और उम्मीद है आप सब इनका घर में थोड़ा अभ्यास करेंगे, जिससे इसमें जो भी आपको कोई कंफ्यूजन हो वो कंफ्यूजन भी आपको बिल्कुल सही ढंग से दूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अपने सफर को हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर से एक मिलते हैं नई क्लास में और एक नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि आप यहाँ नए विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का आनंद भी आपको सही समय पर घर बैठे मिल सके। और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया, अगर सारी बातें आपको समझ में आई हों तो अपनी क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। चलिए अपने सफ़र को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं आपको एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।